मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम पुनरावृत्ति विधि में जनक फलन की विधि का उपयोग करेंगे। जनक फलन विधि से कैसे सरल किया जाता है पुनरावृत्ति संबंध को, तो हम क्या करेंगे इसमें हम कुछ नोट लिख लेते हैं। दिए गए पुनरावृत्ति संबंध, दिए गए पुनरावृत्ति संबंध में क्या करना है, संबंध में x की पावर r से गुणा करें, x की पावर r से गुणा करना है। नंबर टू, फिर क्या लेना है, सिग्मा r इक्वल टू टू इन्फिनिटी, r हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, मिनिमम से पता चलेगा, लेने पर दोनों ओर हमें क्या लेना है, सिग्मा लेना है r मिनिमम टू इन्फिनिटी। और नंबर तीसरा क्या, फिर हमको इसका प्रसार करना है, प्रसार करें। फिर नंबर चार क्या, प्रसार करने के बाद में फिर हमको ये पदों को जी एक्स में एडजस्ट करना है। जी एक्स में एडजस्ट कैसे करेंगे, जी एक्स के फॉर्मूले से। जी एक्स किसके बराबर होता है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट, ऐसा जी एक्स होता है। इससे हमको क्या करना है, वो एडजस्ट करने हैं। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, एक इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये तीसरे का एक करवा देते हैं और उनको देखने करके। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पहले क्वेश्चन है इसमें, इस टाइप की ए आर माइनस क्या है, टू ए आर माइनस वन और क्या है, प्लस ए आर माइनस टू बराबर में क्या है, टू की पावर आर माइनस टू है और आर भी रखा है ग्रेटर देन टू, आर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ए जीरो की वैल्यू दे रखी है, ए जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, टू, और ए वन की वैल्यू दे रखी है वन, ए जीरो की वैल्यू टू है, ए वन की वैल्यू क्या है वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, दोनों पहले हम x की पावर r का गुणा करवाएंगे, x की पावर r का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ए आर एक्स की पावर r माइनस टू ए आर माइनस वन एक्स की पावर r प्लस ए आर माइनस टू एक्स की पावर r, और यहाँ पर क्या आएगा, टू की पावर r माइनस टू और x की पावर r। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, सिग्मा लेंगे, तो सिग्मा लेंगे r बराबर, देखना इसमें मिनिमम ए आर माइनस टू है तो टू से लेंगे, टू टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर r माइनस टू तो कॉन्स्टेंट है, सिग्मा में क्या रह गया, r बराबर टू टू इन्फिनिटी ए आर माइनस वन और x की पावर r, और क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा आर बराबर टू टू इन्फिनिटी और ए आर माइनस टू और एक्स की पावर आर बराबर, यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा में आ जाएगा आर बराबर टू टू इन्फिनिटी और टू की पावर आर माइनस टू और एक्स की पावर क्या आर। ठीक है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, लिमिट रखते हैं टू से लेकर अनंत तक, आर की जगह टू रख रहे हैं इसमें, तो आर की जगह टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए टू एक्स स्क्वायर और फिर क्या आएगा ए थ्री एक्स क्यूब डॉट डॉट, फिर माइनस ये क्या आएगा टू, आर की जगह टू रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा ए वन एक्स की पावर टू और कितना, फिर ए टू एक्स की पावर थ्री प्लस डॉट डॉट, फिर प्लस ये वाला टर्म क्या आएगा, आर की जगह टू रख दो इसमें तो ये क्या होगा ए जीरो एक्स स्क्वायर और ए वन एक्स क्यू डॉट डॉट, फिर ये वाला पद क्या आएगा, आर की जगह टू रख रहे हैं इसमें, आर की जगह टू रखेंगे तो ये टू की पावर जीरो बन जाएगी और एक्स की पावर टू, फिर
थ्री रखेंगे इसमें तो टू की पावर वन और एक्स की पावर थ्री, फिर फोर रखेंगे इसमें तो आठ टू की पावर क्या टू और एक्स की पावर फोर डॉट डॉट, ठीक है इस टाइप का हो जाएगा। अब हमारा काम है इसको हम जी एक्स में चेंज कर लेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले सकते हैं, या फिर जी एक्स की सहायता से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको फिलहाल नाम दे देते हैं समीकरण कौन सा एक, हम जी एक्स को लिख लेते हैं। अब जी एक्स बराबर क्या होता है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ठीक है ये हमारा क्या है जी एक्स है, ये जी एक्स है। अब इसमें क्या करेंगे, जी एक्स में हम ऐसे पद बनाएंगे, देखना हमारा है ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब, ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, इसको इधर कर लेंगे इसको इधर कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाई जी एक्स माइनस ए जीरो माइनस ए वन एक्स बराबर में क्या रह जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब डॉट डॉट, ठीक है। देखो हमने पहला वाला पद बना लिया ए टू एक्स स्क्वायर, यहाँ यहाँ तक था, इसको सब को इधर लेकर आ गए, तो ये हमारा समीकरण कौन सा मिल गया, दो है और ये कौन सा है तीन। अब इसको बनाएंगे, इसमें देखो ए वन एक्स स्क्वायर है, ए वन है तो सही लेकिन उसके साथ में हमारे पास में केवल एक्स है, तो ए वन एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का गुणा करवा देंगे, तो समीकरण दो में गुणा किसका करवा रहे हैं, समीकरण दो में गुणा करवा रहे हैं एक्स का, तो क्या हो जाएगा इधर ये एक्स जी एक्स, यहाँ ए जीरो एक्स हो जाएगा, इसको इधर लेकर आ रहे हैं माइनस ए जीरो एक्स, और ये क्या हो जाएगा बराबर ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स क्यूब डॉट डॉट। देखो यहाँ एक्स का गुणा करवा देंगे तो ए वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए टू एक्स क्यूब हो जाएगा, और जो ए जीरो है उसमें हमने एक्स का गुणा किया इधर ले लिया, क्योंकि हमें ए जीरो नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए, ए वन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ए जीरो वाले पद को इधर ले लिया, और ये हमारा समीकरण कौन सा है चार। हमें ये बनाना है ए जीरो एक्स स्क्वायर ए वन एक्स क्यूब, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ए जीरो ये रहा, ए जीरो के साथ में हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसमें किसका गुणा करवा दें, एक्स स्क्वायर का गुणा करवा दें इसमें, तो समीकरण कौन से में, समीकरण दो में गुणा कितने का, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा करवाओ इसमें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स, और बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर बड़ा करवा दो ए जीरो एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स क्यूब डॉट डॉट इस टाइप का आ जाएगा, ये समीकरण कौन सा हो गया पांचवा। तो हमने ये सभी मान निकाल लिए, हम सब मानों को तीन चार पांच से उठा के समीकरण एक में रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर वन है ये, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मिटा देते हैं इसको। हम क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं समीकरण एक में, समीकरण कौन से में एक में मान रखने पर, एक में मान रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, इतना इतने वाले की वैल्यू क्या रख रहे हैं, इतने वाले की वैल्यू देखो क्या है, ये वाला पद ये रहा समीकरण तीन में, तो इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं, जी एक्स माइनस ए जीरो और क्या माइनस ए वन एक्स, ठीक है इसकी वैल्यू रख दी सर माइनस टू है, इतने की वैल्यू ए वन एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स स्क्वायर वाला देखो ये रहा, इसकी वैल्यू ये रखेंगे क्या है ये एक्स जी एक्स और माइनस क्या है ए जीरो एक्स, ठीक है और प्लस कितना है ए जीरो एक्स स्क्वायर, ए जीरो एक्स स्क्वायर ये रहा, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर, इधर को देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ टू की पावर जीरो की वैल्यू वन हो गई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया,
यहाँ पर क्या बचा 2x, यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, यहाँ बच जाएगा 2x का स्क्वायर डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें ए जीरो और ए वन का मान लिख देते हैं। ए जीरो का मान क्या है, ए जीरो बराबर 2 है, ए जीरो बराबर 2, ए वन बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये जी एक्स माइनस ए जीरो, ए जीरो की वैल्यू क्या है 2 माइनस ए वन, 1x माइनस 2 और क्या एफ जी एक्स, एक्स जी एक्स माइनस ए जीरो 2 है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और क्या जी एक्स बराबर इधर एक्स स्क्वायर, ये जी पी बन रही है जिसके अनंत पदों का योग ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2x हो जाएगा, जी एक्स है ये। अब क्या कर रहे हैं, जी एक्स वाले पदों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो जी एक्स वाले पद क्या क्या हो जाएंगे, जी एक्स वाले यहाँ पर 1 बचेगा जी एक्स, और देखो ये रहा माइनस का 2x आएगा, और देखो जी एक्स ये रहा प्लस का क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और जी एक्स वाले कंप्लीट हो गए। बिना जी एक्स वाले देखो क्या है, माइनस 2 माइनस एक्स, माइनस 2 माइनस एक्स है ये, इसका बड़ा इसमें कर देंगे तो प्लस के 4x हो जाएंगे, और तो कोई है नहीं, ये जी एक्स वाला हम ले चुके हैं पहले, दिस इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, अब क्या आएगा, जी एक्स तो है ये और क्या है ये, इसको थोड़ा क्रम से लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इन सबको उधर ले जाएंगे तो बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 माइनस 2x तो है ही पहले से उधर, 1 माइनस 2x तो है ही, माइनस का 2 है उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1x प्लस के 4x उधर जाकर कितने एक्स हो गए माइनस के 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे तो जी एक्स बराबर में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या 1 माइनस 2x, अभी इसको यही रहने देते हैं, बाद में ले जाएंगे, पहले उधर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका गुणा इसमें होगा क्या आएगा, ये 2 माइनस 4x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x प्लस के 6x स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। तो एक्स स्क्वायर और 6x स्क्वायर कितने हो गए, ये 7x स्क्वायर हो गए, एक्स वाले देख लो माइनस के 4x माइनस के 3x माइनस के 7x हो गए, और प्लस का 2 है, प्लस का 2 अपॉन में क्या 1 माइनस 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देते हैं, तो हमारा जी एक्स कैसा रह जाएगा, जी एक्स इक्वल टू रह जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2x, तो पहले से ही है नीचे, और ये नीचे चला गया क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको हम नीचे भेज दिया। अब क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 तो है ही ये, 1 माइनस 2x है ही जैसे तैसे, और इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसे हम 1 माइनस x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस x का क्या होल स्क्वायर, देखो 1 माइनस x का होल स्क्वायर बन रहा है। अब हमारा ये क्वेश्चन पहले जैसे क्वेश्चन में चेंज हो गया, जी एक्स हमारा ऐसा आ गया, हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे, आंशिक भिन्न बनाएंगे और फिर उससे ए आर प्राप्त करेंगे। तो ये पेज नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ले लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। अब देखना क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास में जो है इसकी आंशिक भिन्न बना रहे हैं। अब आंशिक भिन्न से क्या होगा, ये जो हमारे पास में 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अपॉन में क्या है
वन माइनस टू एक्स और वन माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन वन माइनस टू एक्स और बी अपॉन वन माइनस एक्स और सी अपॉन वन माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे उधर, एलसीएम तो कट जाएगा, तो ए के साथ में क्या आएगा, एलसीएम में दोनों आएंगे, ए के साथ में क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स का स्क्वायर बी, यहाँ वन माइनस एक्स कट जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा वन माइनस टू एक्स, और एक क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स, सी के साथ में क्या आएगा वन माइनस टू एक्स आ जाएगा सी के साथ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकालने के लिए एक्स के मान रखेंगे इसमें, एक्स बराबर एक रखने पर क्या आएगा बताओ, एक्स एक रख देंगे तो एक्स बराबर एक का हमें इससे पता चला है फ्रंट से, एक बार एक्स एक बार टू रखेंगे तो एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेवन माइनस सेवन प्लस टू बराबर क्या, ये जीरो हो गया, यहाँ एक रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा, और नहीं ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ वन माइनस एक्स है, एक्स की जगह वन लिखेंगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ एक रखेंगे तो ये क्या आएगा माइनस का सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू डायरेक्ट बता दो क्या आ जाएगी, माइनस का टू आ जाएगी। अब हम एक्स की जगह क्या रख दें, एक्स बराबर एक बटे दो रखने पर एक बटे दो का पता कहाँ से चला, इस वाले वर्गखंड से, वन माइनस टू एक्स है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एक बटे दो आएगी, एक्स बराबर एक बटे दो रखने पर एक बटे दो रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ रखो एक बटे दो क्या हो जाएगा, ये सेवन बाई फोर माइनस ये क्या हो जाएगा सेवन बाई टू प्लस टू बराबर, यहाँ रख रहे तो ये कितना हो जाएगा ए इंटू एक्स की जगह एक बट दो लिखेंगे तो एक में से एक बट दो घटाएंगे तो एक बट दो बचेगा, उसका वर्ग क्या हो जाएगा एक बटे चार, और दोनों पद क्या हो जाएंगे जीरो, क्योंकि दोनों में वन माइनस टू एक्स है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सरल करते हैं, इसका एलसीएम फोर आ जाएगा, सेवन माइनस फोर्टीन प्लस एट आएगा ये, और ए वाई फोर, तो यहाँ आठ सात पंद्रह हो गए, 14 घटा देंगे तो यहाँ से ए का मान क्या निकल के आएगा, ए का मान वन निकल कर आएगा यहाँ से। ठीक है, ए का मान मिल गया, सी का मिल गया, बी रह गया, ये पेज नंबर लिख ले कौन सा है तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। बता देते हैं इसको, नेक्स्ट अब क्या आएगा, अब एक्स की जगह कोई स्वेच्छा से शून्य रख देते हैं, शून्य रखने पर क्या आएगा, ये जीरो हो गया माइनस ये जीरो हो गया प्लस टू इक्वल टू क्या, यहाँ जीरो रखेंगे तो ए रह जाएगा ये, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये बी रह जाएगा, और यहाँ जीरो रखेंगे तो ये सी रह जाएगा। तो टू इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकाली है वन आई है, बी की वैल्यू नहीं पता, सी की वैल्यू माइनस टू आई है, तो इसको इधर भेज दें तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से तीन। ठीक है, तो बी की वैल्यू थ्री हो गई, अब क्या करेंगे, इन ए बी सी के मान हम यहाँ रख देते हैं, तो इसलिए इसलिए हमारा जी एक्स कैसा हो जाएगा, जो इतना बड़ा है वो ए की जगह क्या लिख रहे हैं, वन वन अपॉन वन माइनस टू एक्स, और बी की जगह क्या लिख रहे हैं थ्री, थ्री अपॉन में क्या वन माइनस एक्स, और सी की जगह क्या लिख रहे हैं, सी की जगह माइनस टू लिख रहे हैं, तो माइनस टू अपॉन वन माइनस एक्स की पावर क्या टू। ठीक है, ऐसा हमारा जी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, ये हमारा जी एक्स प्राप्त हो गया, हमें तो ए आर चाहिए, अब इनको ऊपर ले जाएंगे और प्रसार करेंगे, तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वन माइनस टू एक्स की पावर माइनस वन, और प्लस थ्री इंटू क्या वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन,
और माइनस टू इंटू क्या, वन माइनस एक्स की पावर कितनी, वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगी। इनको नीचे से ऊपर ले गए तो इनकी घात नेगेटिव हो जाएगी। इसका प्रसार करते हैं हम, तो जी एक्स क्या आएगा यहाँ से, जी एक्स इक्वल टू वन प्लस टू एक्स, फिर क्या आएगा टू एक्स का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस थ्री, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट, ठीक है। फिर माइनस टू, इसका प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार होगा वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डॉट डॉट, ठीक है। हमने प्रसार कर लिया इसका। अब इसमें एक्स की पावर आर का गुणांक छांटेंगे, एक्स की पावर आर के गुणांक लेने पर, एक्स की पावर आर के गुणांक ले रहे हैं तो इधर तो हम ए आर लिखेंगे, एक्स की पावर आर का गुणांक यहाँ देखो क्या मिलेगा, टू एक्स, टू एक्स की पावर टू है और एक्स की पावर आर वाले में क्या आएगी, टू की पावर आर आ जाएगा, टू एक्स की पावर टू आर घात वाले में, यहाँ आर घात आएगी तो टू की पावर आर बन जाएगा। यहाँ पर देखो वन प्लस एक्स पर प्लस एक्स, कहीं ना कहीं इसमें एक्स की पावर आर आएगी, उसका गुणांक क्या हो जाएगा थ्री, तो थ्री हो गया गुणांक। इसमें देखो एक्स की पावर आर दो घात है तो तीन आ रहा है गुणांक, एक घात है तो दो आ रहा है, एक्स की पावर आर होगी तो उससे एक ज्यादा क्या आ जाएगा, आर प्लस वन, तो हमारा ए आर कैसा रह जाएगा ये। और इससे पहले माइनस टू और है, माइनस टू और है यहाँ पर, तो क्या आएगा ये, टू की पावर आर प्लस थ्री माइनस टू आर माइनस टू, तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू की पावर आर माइनस टू आर प्लस वन, यही क्या हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से करेंगे वैसे क्वेश्चंस को, औरों को देखना करके, एक दो उदाहरण हैं और एक दो ही क्वेश्चन हैं, इसके साथ में ये वाली यूनिट खत्म हो जाती है।